गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो गाइस, जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगी, और जैसे कि आपको सबको पता है कि आज मंडे है और रौनक गया है स्कूल, क्योंकि छुट्टी तो मतलब ही नहीं बनता, दो छुट्टियों के बाद आज स्कूल गया है। तो बारिश वगैरह का मौसम बना हुआ था बट बारिश नहीं आई, तो मैं भी सोच रही थी थोड़ा टाइम पर ऑफिस पहुँच जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे ऑफिस में भी गणपति स्थापना हुई थी, तो कल परसों हुई थी, तो परसों में छुट्टी भी थी और कल भी पूजा वूजा करी थी, मैं व्लॉग नहीं ले पाई थी। और आज मैं लूंगी गाइस, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी हमारे ऑफिस में जो मंदिर हमने बनाया है, तो वो उसमें गणपति जी की स्थापना करी है, वो कितनी अच्छे तरीके से करी है। तो बस अभी थोड़ी देर में ऑफिस निकल जाऊंगी, फिर पूजा वगैरह का एक टाइमिंग होता है कि सबको पता है कि इकट्ठे हो जाएंगे तो अच्छे से पूजा हो जाती है, और अब देखते हैं कि कैसा रहेगा आज का दिन, तो वो आपको जरूर शेयर करेंगे गाइस। तो गाइस, आज मैं गया था जब स्कूल, अभी मैं अभी आया हूँ स्कूल से, बारिश आ रही है, पता नहीं कैसे आज तो मौसम ही नहीं था बारिश का, पूरे दिन ऐसे एकदम धूप वाला था, मतलब एकदम बारिश आ रही है, बढ़िया ठंडा ठंडा मौसम हो जाएगा, चीकी वीकी छत पे जाएंगे, सो रहे अपना मस्त, वाजी वाह। तो बस मैं गाइस आ चुका हूँ, मैं अभी जब मैं आया तभी नहीं आ रही थी, बस अभी अभी शुरू हुई है मेरे हिसाब से। गाइस आज मेरा जो भाई है ना, मेरा प्रीत जो है, मेरा प्रीत वो भी मेरे स्कूल में पढ़ते ना, तो आज वो आया नहीं था, मेरे को पता नहीं था, मम्मी कह रही थी कि आया होगा तो उसके साथ ही आ जाइए घर पर, तो हाँ वो आया नहीं था, मैं वेट कर ही जा रहा, वैसे 2 बजे छुट्टी हो जाती है, 2:30 तक मैंने वेट किया, कि पिछली बार मैं बिना वेट करे ना आ गया था, और वो थे वहाँ पे स्कूल के अंदर, तो दिक्कत हो गई थी, फिर कह रहे थे वो कि रुका क्यों नहीं, ये वो है, तो मैं सोचा रुक ही जाता, 2:30 हो गया, आए ना, सारी क्लासे छान मारी था ही नहीं कोई, तो मैं आ गया फिर घर पर, रिक्शा से आया था मैं, फिर मम्मी का घर पर आके कॉल आया कि नहीं वो तो गया ही था, तो मेरे को भी पता चल गया। तो बस आज मतलब रिक्शा का मतलब थोड़ा सा वो करना पड़ा मेरे को, इस्तेमाल रिक्शा के लिए थोड़ा भटकना पड़ा, लेकिन मिल ही गया था मेरे को, तो थोड़ा टाइम तो लगा था, मतलब गर्मी के अंदर परेशान हो गया था, गर्मी के अंदर भागो दौड़ो ये वो, लेकिन फिर मिल गया था। मम्मा मम्मा, आपने मेरे को बना के दी थी ना, और ये शेक मैं आपके लिए चाय बनाई है, बहुत ज़्यादा बनाई है मैंने, देख लो बहुत ज्यादा बनाई है मैंने, पी पाओगे? अच्छा हाँ। इतनी बनी, सॉरी। अच्छा तो बना देते, मेरे को एक बात बताओ, वैसे ऑफिस की चाय टेस्टी होती है मेरी, सच बताना, जो छोटा सा प्लास्टिक का कप होता है उसमें भी इतनी मीठी होती है, हमें वो मिलती है, तो उसमें वो शक्कर जो है वो कंप्लीट कर देता है, पूरी कमी डाल दो, मैं की पीता भी कम हूँ, डाल दो तो भी। वैसे हमने अपना मीठा कम कर दिया, और हमने अपना और नमक भी कम कर दिया, नमक मिर्च मसाले थोड़े से कम कर दिया हमने, मीठा तो हम धीरे धीरे करके खत्म करने वाले हैं, कि आने वाले टाइम पे हमारे घर में जो मीठा आएगा सिर्फ मेहमानों के लिए आएगा, हमारे लिए नहीं आएगा। नमक के भी थोड़ा धीरे धीरे करना, फिर ना जल्दी से करो ना, फिर मेरे को वो नहीं होता, नहीं वो नमक बिल्कुल खत्म नहीं करना होता, वो पता है मेरे को, लेकिन मतलब इतना भी मत करना, थोड़े से मसाले मिर्च मसाले हल्का फुल्का रखेंगे, फिर टेस्ट कैसे आ जाएगा, सही बात है। तो गाइस, आप लोग दर्शन कर लीजिए गणेश जी के, अभी आरती हो चुकी है और प्रसाद का भोग भी लग चुका है, जो कि आपको मैं दिखा देती हूँ, ये आज मोदक बनाए हैं आज फिर से सोनिया भाभी ने, और ये है चॉकलेट वाले, कल जो बनाए थे भाभी वो चॉकलेट और क्या था, नारियल, हाँ। बहुत टेस्टी बने थे गाइस सीरियसली, और आज ये सारे चॉकलेट वाले और ड्राई फ्रूट वाले, और सोनिया भाभी की तारीफ करी जाए? नहीं, सोनिया भाभी के लिए सारे मैसेज आ चुके हैं, तो और क्या, अपने कमेंट में बताएं जल्दी, सबसे ज्यादा स्वीट तो सोनिया भाभी जी की आवाज लगती है सबको भाई, हमारी आवाज स्वीट ही नहीं लगती, सोनिया भाभी सबसे प्यारी, हाँ सोनिया भाभी सबसे प्यारी सीरियसली, चलो पूजा कमेंट करते हैं, आपने सोनिया भाभी सबसे सुंदर और प्यारी, हाँ सिंपल आपकी कमेंट सही है। तो गाइस ये रियलिटी है, इनको तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी नेचुरल ब्यूटी है, हमें तैयार को कभी तैयार होने की जरूरत नहीं पड़ती, सही बात है, हमें तैयार होने की जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी ब्यूटी आई नहीं, नहीं दो गोरे दो काले, दो गोरे दो काले, ओ हाँ वैसे आपका मेरा कलर, दोनों भाभी मेरा सेम कलर, और ललिता भाभी का सेम है, आपका लाल की में आता है, ललिता भाभी की थोड़ी सी उसमें आता है व्हाइट में, है ना, नहीं नहीं उल्टा बोल दिया यार, जल्दी से
सोनिया भाभी की वाइट में था, लता भी थोड़ी लाल में आता है। चलो पूजा होगी गाइस। अम्मा जब मैं खुद से मदद करने की कोशिश कर रहा होता हूँ तब आप कहते मना कर देते हो, और जब मैं नहीं करता फिर कहते तू काम नहीं करता। अभी ना मतलब मम्मी धो रही थी बर्तन, मैंने मम्मी को काम खत्म कर भी दिया अपने। हाँ धो गई बर्तन में, तभी तो बोल रहा था कि धो देता हूँ। नहीं मैं पहले ही बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था मुझे पता है। मैं बर्तन धोने को गया था मम्मा को, ठीक है मम्मी मना करी जा रही है। अब मैं कभी कभार जब मम्मी ऑफिस से आती है नहीं धो रखे होते तब कहती है मम्मी धो दिया कर मैंने आने से पहले ही। ये हाय सच कह रहा हूँ मैं। हाँ बच्चा अगर घर में बैठा है आराम से तो वो थोड़ा बहुत काम कर भी देगा तो क्या हो जाएगा। मम्मा ने मम्मा ने मम्मा ने क्या इसको ग्लास में थोड़ा सा रख दो मम्मा। गाइस मेरे को पीना है ओरियो शेक, और मम्मी नाइंसाफी कर रही थी मेरे साथ, उबालने लगी थी, फिर कहती हो उबल गया। अगर मैं भी कमरे में होता ना सारा उबल गया होता, फिर कहते अब नहीं बन सकता। मम्मी जान जान के सारी बातें बोल रहा है, चालू बोल रहा है। गाइस मैंने साजिश बोले क्यों बोल रही चीजें, क्योंकि ना कल मैंने बोल दिया था ना इसके पिंपल के बारे में, इसने इसने बोला अच्छा मैं अभी बदला लूंगा आपसे। नहीं इसलिए तूने बदला ना ना। हाँ। मैं क्यों बदला लूंगा आपसे, बदला ही लेता और क्या कर रहा है। तो मम्मी को लग रहा है मम्मी से ले रहा फालतू में बदला, लेकिन किस बात का लूंगा वो बताओ। बदले भाई क्या ही कर सकते हैं, अरे घर वाले बदले लेते हैं। घर वाले हो गए अब, घर वाले तो घर वाले बाहर बच्चा भी नहीं, मैं घर वाला हो गया अब। घर वाले बदला लेते हैं भाई। अच्छा अच्छा चलो चलो इसको फ्रिज में रख कर शेक बनाना। और यू शेक और तुम एक चाय बना के दे, ठीक है। वैसे ओरियो मोदक बहुत टेस्टी था ना, वैसे मेरे को ओरियो बड़ा अच्छा लगता है, तो एक मोदक तो मैंने खा लिया था प्रसाद में, ठीक है। वैसे तो मम्मी को ओरियो पसंद नहीं है, अभी खाने का मन कर रहा था। मोदक पसंद है भाई। वो भी ठीक है। चलो तो कल के राजमा भी थे हमारे पास, और बाकी फिर भी थोड़े से बच जाएंगे वो कल बनेंगे। मैं तो रहे और कल देखो मैं बना के दूंगी तोरी की सब्जी। ओके यार तोरी तोरी तरी वाली होगी, नहीं सूखी सूखी बना दो। हाँ सूखी सूखी चलेगी। छीना ऐसे मत कर दो मेरे साथ, तूने क्या बोला अभी, क्या बोला तूने मुझे। गाइस छीना नींद में है तो वो आ रही है, तुम लेट लेट नींद आ रही। हाँ तो फिर तू बाहर भी तो गई थी ना, सजावट के मेहमान हुई चार दिन के। छीना अच्छा मुझे बोला। हाँ तो उससे पहले तूने मुझे क्या बोला था, तभी तो मैंने बोला था चार दिन के मेहमान है। आई मीन टू से चार दिन के मेहमान, चार दिन के मेहमान ना मतलब यहाँ पे इस घर में। भाई मैं शादी करके थोड़ी जा रही हूँ। हाँ तो अब अगले चार को तो वो एक्सटेंड कर ले ना, मंथ में कर ले, ईयर तो कर नहीं सकती, मंथ ही करेगी ना। तो फिर अब बढ़िया तेरा काम शॉपिंग होगी तेरी, ईयर कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईयर क्यों करना है, पागल होगी क्या, बुढ़ापे में शादी करेगी। चार साल बाद शादी। बुढ़ापे में शादी करेगी। रहने दे तू, इसको देख जरा चल रही। ओए हीरोइन सर पे खारिश हो रही है। मैंने क्या पहन रही हो, मैंने तो चीज चेहरे में मेरा सेम कलर ही होगा, ब्लैक ब्लैक आ रही भाभी एक मिनट, पिंक पिंक ब्लैक ब्लैक कन्नू ब्लैक। कन्नू ब्लैक मेरा भी ब्लैक। दिखाओ क्या लायो। ये चीना आज एक सूट लाई थी नंदा से, यही से लेते हैं हम। कलर कितने प्यारा लग रहा है इसका, लिफाफे का। हाँ पहले जो अंदर है उसको देखा नहीं, नहीं लिफाफे का कलर तो प्यारा लग रहा है। ड्रेप सूट है ये, लेकर आई है, है? ये कब पहनना तुमको? नहीं नहीं ये लिया वैसे ही, एक इसकी मदर इन लॉ ने लेके दिया है ना। सेम हाँ चीना पापा बुला रहे हैं। आ रही पापा और एक चाय कर रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, दिखाना तो है ना व्लॉग में, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लग रहा है, अभी नहीं दिखाएगी ना वो, तो बाद में पैर बन के दिखाएगी तू। हाँ है ना, अभी सस्पेंस है। इसको वहां उसकी मदर इन लॉ लेके दे रही थी ना, उसको बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो कह रही थी कि आप दो ले लो, इससे कहा नहीं एक मैं ले लेती हूं, एक आप ले लो, कहते वो फिर आपको ही आ जाएगा, आना तो 15 तारीख को हमें ही है। अच्छा तो दे ही देंगे ना। हाँ हमने भी निकल गए जोड़ा लिए है। नहीं वो तो मैंने देखा था, कल आपने दिखाया तो था, वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहां से अरमान जी नहीं लेते ये टेंट से, अच्छा उनके कपड़े अच्छे हैं। अच्छा नहीं पैंट शर्ट तो उसकी अच्छी लग रही थी, फिर सारे कहने लग पड़े कि वहीं से ले लेते हैं। अच्छा धीरे धीरे देखो रोज लगेगी, वो तो धीरे धीरे करके आपको इकट्ठा पसंद आई है, कल मेरी पसंद आ जाएगी, देखो दो चार ही।
गाइस मेरी माता श्री बना रही है ओरियो शेक। मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मा ओरियो शेक बना देना, मम्मी मान ही पता नहीं कैसे, लेकिन मम्मी बनाने से पहले कह रही थी यार देख ले चेरी रात को कौन पीता ओरियो शेक, मतलब मैं पीता हूँ मैं बना दो, क्या सोच के बोलते है तुम, मतलब क्या सोच के रात को पी रहा तू, मतलब सही सोच के बोल बना दो। मम्मी बनाई बनाने चले गई है मम्मी किचन में, अभी बन रहा है ओरियो शेक तो पीऊँगा इंजॉय करूँगा। अनहेल्थी नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने चीनी बहुत कम कर दी है, मैंने पता नहीं कल मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने ना मतलब मैं रियलाइज़ हुआ कि मैं काफ़ी चीनी पीता हूँ, तो मतलब ना के बराबर पीता हूँ मैं, दूध के अंदर चाय हो जाए चाय हो जाए और मतलब जो भी मैं पीता हूँ जो भी मैं खाता हूँ बहुत कम कर दी है चीनी, तो और शेक के अंदर मैं पी रहा हूँ मतलब दिन के अंदर काफ़ी कम पिया है मैंने, तो हाँ इससे पूरा हो जाएगा मेरा इंटेक सारा शुगर का, तो बस कम ही पीता हूँ मैं तो हेल्थी ही है। जैसे चीकी बीकी हेल्थी खाते हैं दाने अपने तगड़े एकदम बॉडी बनाते हैं, देखो बॉडी देख रहे हैं इसकी ऊप ओहो। गाइस मेरा ओरियो शेक आ चुका है और गाइस मेरे को ओरियो शेक का ना याद इसलिए आता है क्योंकि ओरियो का मोदक जो बनाया था ना सोने मम्मा ने, इसलिए मेरे को ओरियो शेक का याद आया था। ओए मत गिरी भाई मत गिरी प्लीज़ भाई मत गिरी। गाइस इसका बहुत रिस्क है, इसका ना कोई दुश्मनी है मेरी पिछले जन्म की, इसको मैं साइड में रखता हूँ यहाँ पर रख देता हूँ मैं और इन्जॉय करूँगा शेक। फेवरेट ओरियो शेक आप भी देख रहे हो गाइस टेस्टी होता है, मतलब थोड़ा मन खुश हो जाएगा आप लोगों का, हेल्थ का पता नहीं मन तो ज़रूर खुश होगा। गाइस ज़माने बाद ये मेरे को फुटबॉल दिखी अभी अभी, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे को अभी भी आती है ट्रिक से नहीं आती है, तो मैं चेक करता हूँ। नहीं इस ये भूल गया फुटबॉल का, मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ मैं, बाकी अभी बास्केटबॉल देखा। अरे यार बस बास्केटबॉल में खेलते हो तो उंगलियों पे घुमाते ना जब बॉल, वो मेरे को पहले से आते हैं बास्केटबॉल बिना खेले। गाइस मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था, तो मेरे को माजी ने गिफ्ट दी थी ये फुटबॉल, मेरे को काफ़ी खुश हो गई है, हवा सारी निकल गई है, मैं भरवाऊँगा अब इसकी हवा में। बाबू तेरा तो फाइनल हो गया, तुझे क्या पहनना है? कलर तो मेरा ही फाइनल है कि हम दोनों ने सेम कलर पहनना है। ठीक है बट मेरा ना सेटिंग हो नहीं पा रही। तो कलर तो अपने का हो गया सेट, कलर पता है ना कि तू तेरा कलर जो है मेरे को भी सेम कलर का लेना, बट मेरी सेटिंग नहीं हो पा रही, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं, साड़ी पहनूं गाउन पहनूं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कुछ, कंफ्यूज रहूं क्योंकि ना साड़ी मेरे पास है और ब्लाउज मैं ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती थी बट अब उसमें टाइम ही इतना लग रहा है, पहले तो मैंने सोचा कोई सूट पहनूंगी अच्छा सा कोई शरारे वाला सूट या समथिंग कुछ है ना ऐसा, तो अभी वो ऑर्डर नहीं हो पा रहा और ऑर्डर अगर करती भी हूँ तो एंगेजमेंट के बाद ही आएगा। वाह तो उसको क्या करूंगी मैं अब। अच्छा। मार्केट में ये चीज है कि मार्केट में जाना फिर ऑफिस की छुट्टी लेना तो वो मतलब बहुत दिक्कत लग रहा है, अब लड़का मतलब कह रही कैसे करेगी क्या करेगी ये बता, तो बार बार पूछ रही थी ना आके भी, तो आपके कपड़े भी सेट ही नहीं हुए, मेरी सेटिंग नहीं हो रही अभी, तो एंगेजमेंट में कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे तो सही ना, फिर कैसे होगा जाना वो सब में नहीं होगा आराम, वही मैं पूछ रहा हूँ कैसे जाएंगे कैसे होगा कैसे। हाँ नहीं समझ में आ रहा चलिए मैं वाकई में कंफ्यूज हूँ। और रजौरी गार्डन देख लो कपड़े, रजौरी गार्डन जो तिलक नगर में नहीं है तो रजौरी में तो होंगे, तिलक नगर देख के तो आई थी उस दिन, तो मैं कह तो रहा हूँ तिलक नगर नहीं होंगे तो रजौरी, साड़ी के साथ एक थी ब्लाउज तो बढ़िया था, पर अगर मेरे को सही टाइम में पता था कि मेरे को साड़ी पहननी है तो मैं ब्लाउज पहले स्टिच करवा लेती, मैं कह रहा हूँ रजौरी गार्डन चले जाओ, चले जब जाऊँ पर छुट्टी नहीं मिलेगी जी, तो जल्दी आ जाना, 14 और 15 दो दिन छुट्टी चाहिए, जल्दी आ जाना ना मम्मा। हाय सर ने मेरे को भी आज डांट लगाई है पता है, मैं कह रहा हूँ जल्दी आ जाना, अब जल्दी चले जाना 9 बजे चले जाना ऑफिस, 1 घंटे क्या फर्क पड़ जाएगा, 6 बजे आप भी जाऊंगी तो वैसे मैं शॉर्ट लीव पे आ सकती हूँ मतलब 2 घंटा पहले आ सकती हूँ। हाँ तो सही है, मतलब अगर मैं 9 बजे भी जाऊंगी तो मैं 4 बजे आ सकती हूँ तो सही है ना, है ना और क्या। तो मैं ऐसे लेती हूँ अगर मेरी सेटिंग नहीं हुई ना कल अगर मेरा हो गया अरेंजमेंट इधर उधर से कैसे करते भी, तो अगर नहीं होता फिर कल चलेंगे रजौरी गार्डन। ठीक है मम्मी की सेटिंग होगी हमें पता नहीं है, लेकिन अब सोएंगे जरूर, तो गुड नाइट गाइस, आज के लोग हम ये पेंट करते हैं गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत यही करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना
ख्याल रखिए गाइस, और आपका प्यार आपका सपोर्ट चाहिए बरबर के। और गाइस मैं एक और बात चाहते रहते बोलना चाहती हूँ कि हमारे यूट्यूब की जो फैमिली है उनमें से बहुत सारे मेरे ऐसे प्रियजन है सही बोला, तो जिनका नाम मैं लेना चाहती थी, बट अभी रात के बज रहे हैं 1:45 जब हम गुड नाइट का अंत कर रहे हैं इस ब्लॉग और सोएंगे हम। तो अभी फिलहाल सच्ची बोल रही हूँ कि मैं वैसे मैं पर्सनली जब मैं ब्लॉग में बोलूंगी वो बात अलग है, बट हाँ मैं कमेंट्स का अभी रिप्लाई करूंगी, जिनको भी मुझे रिप्लाई करना है मैं सबको रिप्लाई करूंगी, बट हाँ जो मैंने कमेंट्स लेने हैं वो मैं लूंगी गाइस, मुझे थोड़ा सा टाइम देते क्योंकि मेरा सारा शेड्यूल है एमएएम इधर उधर ही जा रहा है। तभी मम्मी के कपड़े नहीं आ रहे हैं और आएंगे नहीं, अच्छा आ जाएंगे, मुझे घबराहट आ जाएंगी, कोई ना जी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत ही करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नई सुबह के साथ, तब तक यहाँ से ब्लॉग का ख्याल रखिए गाइस, और प्लीज आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी निक्स एंड रोने के नाम से हमें जाके फॉलो कीजिए और जाके लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।